हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक हमारा क्या है, वो हमारा टॉपिक है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024। देखिए, आपकी बार पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। अब इसमें 23 तारीख की ही डेट क्यों चूज की गई है, उसका कारण ये है कि 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना था। यहाँ पर प्रश्न एक और तरह से फ्रेम हो सकता है, वो किस तरह से फ्रेम हो सकता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वहां पर उत्तर हमारा क्या होगा, वहां पर उत्तर होगा हमारा भारत। और दूसरा प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। इसके साथ ही हम इसरो के बारे में भी महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1962 को हुई थी। इसका गठन जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। और इसरो के चीफ कौन है वर्तमान में, तो इसरो के चीफ जो है डॉक्टर एस सोमनाथ है। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।